गुमला प्रखंड सिसई अंतर्गत ग्राम पंचायत छारदा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सरना सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रिया मुंडा, संयोजिका दुर्गा वाहनी और स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रिया मुंडा ने कहा कि हमारे सरना सनातन धर्म काफी वर्षों से पूजा पाठ होते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से पूर्वजों द्वारा सरना माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अपने धर्म में काफी भक्ति रखने से हमें शक्ति मिलती है, इसलिए अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्म पर कभी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज भी काफी नाराज हो जाते हैं, जिससे कि जीवन सफर में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सनातन धर्म वाले कभी धर्मांतरण नहीं करते हैं, अपने धर्म के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं। लोभ लालच के चक्कर में धर्मांतरण कभी नहीं करना चाहिए। सरना सनातन एक है, आदिवासी समाज हिंदू ही है। आजकल गलत तरीके से भ्रांतियां फैलाकर आदिवासी को हिंदू नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, जो काफी दुखित है। उन्होंने बताया कि सरना सनातन एक है एवं आदिवासी समाज हिंदू ही है। किसी भी आदिवासी समाज को धर्मांतरण से दूर रहना चाहिए। कहना चाहेंगे जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि सरना सनातन अलग है, एक नहीं है और आदिवासी हिंदू नहीं है, इस विषय में हम गांव-गांव में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, संगठित लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सरना सनातन एक है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया मुंडा है, सरना और सनातन दोनों एक है और एकता में किसी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाखों वर्ष पुराना हमारा संबंध है, आज का हिंदू भूतकाल का आदिवासी है और आदिवासी और सनातन यह दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों अलग नहीं है, इसे किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पानी और जल को अलग अलग हम नहीं कर सकते, उसी तरह से सरना और सनातन को हम कदापि अलग नहीं कर सकते। हमारा 17 लाख वर्ष पुराना संबंध है, 17 लाख वर्ष पुराना संबंध, इस संबंध को कोई अलग करने का कोशिश करेगा कभी सफल नहीं हो सकता। आज जहाँ जहाँ भी खुदाई होता है, कहीं पर 25,000 वर्ष, कहीं पर 20,000 वर्ष, यानी 5,000 वर्ष पुराना ऐतिहासिक प्रमाण तत्व, पुरातात्विक तत्व मिलते हैं। कहीं पर शिवलिंग मिलता है, कहीं पर शिव मंदिर मिलता है, कहीं पर वज्रंग बली का मूर्ति मिलता है, कहीं पर माँ काली का मूर्ति मिलता है, कहीं पर कुछ ना कुछ मिलता है। कंकर, हर कंकर में शंकर, इस प्रकार के अभाव है। और जब इतना वर्ष पुराना पुरातात्विक विभाग की ओर खुदाई से जो भी तत्व मिलते हैं, दैवीय तत्व मिलते हैं, आखिर कोई ना कोई तो उसका पुजारी रहा होगा। और जब हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं तो हम ही उसका पुजारी होंगे। अगर हम उस समय 25,000 वर्ष पहले उन देवी देवताओं को यदि उसकी उपासना नहीं करते तो हम आदिवासी भी नहीं हो सकते हैं। आदिवासी होने का प्रमाण है कि 25,000 वर्ष पहले भी हम देवी देवताओं का पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, पार्वती जी की पूजा करते थे और जो भी हमारे यहाँ विग्रह हैं हम उनके उपासक थे। यही हमारा आदिवासी की पहचान है और आदिवासी और सनातन एक है, एक रहेगा, इसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसे बदला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।